हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जे के पेपर्स तो आज हम आपके लिए लाए हैं ट्वेल्थ क्लास का एनवायरमेंटल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि सेशन 2020 ट्वेंटी ऑनवर्ड्स के लिए है यानी कि इस साल भी एनवायरमेंटल साइंसेज का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा क्योंकि अभी तक कोई नया मॉडल टेस्ट पेपर जे के बोस ने अपलोड नहीं किया हुआ है अगर वो नया मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड करते हैं तो हम आपको पोस्ट या वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है जेके जीनियस हब नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप जाके उसे भी फॉलो कर देना सो so, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सो so, अगर हम इस मॉडल टेस्ट पेपर की बात करें तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके सेवेंटी होते हैं टाइम यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया है शायद आपको तीन घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए उसके बाद यहाँ पर नोट लिखा गया है इसमें लिखा गया है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर एट तक ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन से लेकर क्वेश्चन नंबर एटीन तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से हर एक क्वेश्चन के दो दो मार्क्स होंगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के इसमें तीन तीन मार्क्स होंगे फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से हर एक क्वेश्चन के पाँच पाँच मार्क्स होंगे इसके अलावा इन क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन ए इसमें ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें से हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क है सो so टोटल आपके एट मार्क्स है सेक्शन ए में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर वन है एब्जॉर्बशन इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग विच टाइप ऑफ एयर पोलूटेंटस इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए गैशियस एयर पोलूटेंटस उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर है वन एंड वायर वाज दू एन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइनड इसका आंसर आएगा 1992 इन रायो डी जेनीरो क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर है वी सेटअप इन द प्रोसेस ऑफ ई आई ए इन डिटरमाइनिंग द की एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑफ ए डेवलपमेंटल एक्टिविटी इसका आंसर आएगा इम्पैक्ट असेसमेंट सेटअप क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पर है वेन वाज ई पी ए इैक्टेड ई पी ए की एक्चुअली दो फुल फॉर्म्स है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो नाइनटीन एटी सिक्स में इनक्ट हुआ है और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वो सेकंड दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी को इनैक्ट हुई है क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पर है वट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इसका जो आंसर आएगा वो है डिसबल जिसे हम शॉर्ट में डी बी लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर है व्हाट इज बाय मैं का मतलब है रिड्यूस रिज रिसाइकल रिकवर एंड रिप्लेस क्वेश्चन नंबर सेवन यहां पर है विच मैथड हेल्पस टू रिड्यूस इरोजन ड्यू टू वाटर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कंटूर फार्मिंग क्वेश्चन नंबर एट यहां पर है व्हाट इज डी फेल इंजेक्शन डीप एल इंजेक्शन वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है जिसमें लिक्विड वेस्ट को डीप इनसाइड इंसाइट दॉयल इंजेक्ट किया जाता है ताकि वाटर से उसकी दूरी बनी रहे और वाटर के साथ वो मिक्स ना हो उसके बाद यहां पर है सेक्शन बी सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें से हर एक क्वेश्चन के दो दो मार्क्स है सो so टोटल ट्वेंटी मार्क्स है आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर नाइन यहां पर है वट द दबजेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्वेश्चन नंबर टेन है व्हाट आर सॉयल हॉर्जनज एलवंथ क्वेश्चन यहां पर है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोलूशन कंट्रोल बोर्ड ट्वेल्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विद एग्जांपल्स थर्टीथु कसचन है हा ड डू सैनिटरी लैंड फिल्ज वर्क फोटीथु कसन है वट आ थ्री पिलर्स आफ सस्टल डवलपमेंट फिफ्टीथु कसचन है एक्सप्लें द कन्सेप्ट आफ बयोमगनिफिकेशन उसके बाद यहां पर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेवनटीथ क्वेश्चन है वट इज मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल एटीनथ क्वेश्चन है नेम सम ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस सो ये था सेक्शन बी अब यहां पर है सेक्शन सी इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें से हर एक क्वेश्चन के तीन तीन मार्क्स हैं सो so टोटल आपके ट्वेंटी सेवन मार्क्स हैं सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यहां पर है डिफ्रेंशियट बिटवीन इंसाइट एंड एक्साइट कंजर्वेशन मैथडस क्वेश्चन नंबर ट्वंटी यहां पर है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग व्हाट आर इट्स इम्पैक्टस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यहां पर है हाउ डज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड इन्वेजन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज एफेक्ट द बॉडावर्सिटी ट्वेंटी थर्ड कश्चन यहां पर है हाउ डज यूट्रफिकेशन एफेक्ट द एक्वाटिक वाटर बॉडीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है एक्सप्लेन इन शॉर्ट द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन मोनाक्साइड ऑन ह्यूमन हेल्थ ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है वट आर द काज एंड एम्पैक्ट ऑफ सॉयल पोलूशन ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन है वट आर द की एलिमेंट्स ऑफ ई आई ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है वट इज ग्लोबल वार्मिंग वट आर इट्स काजस इसके साथ और है वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन एनवॉयमेंट सो ये था सेक्शन सी अब यहाँ पर है सेक्शन डी सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें से हर एक क्वेश्चन के पाँच पाँच मार्क्स हैं सो so टोटल आपके फिफ्टीन मार्क्स हैं सेक्शन डी में Question number 28 section D may What are the different types of particulate matter found in the atmosphere? Explain in detail the method of their control. Is how does noise pollution affect the living organisms? What are the different ways by which noise pollution can be controlled? 29th question hai, Explain in detail the method of treatment of sewage. Is what is meant by marine pollution? What are different types of marine pollutants? What is the effect of marine pollution on aquatic organisms? उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेजॉर्डस वेस्ट हाउ कैन हेजॉर्डस वेस्ट बी इफेक्टिवली डिस्पोज्ड ऑफ इसके साथ और है व्हाट आर सॉलिड वेस्ट व्हाट आर दियर सोर्सेज एंड इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट सो ये था इस मॉडल टेस्ट पेपर का आखिरी क्वेश्चन होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना